गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, मस्त, चंगे भले, पक्का होंगे, अच्छे होंगे। भगवान सबको अच्छा रखे। और मैं ये साड़ी फिर से वेयर कर रही हूँ मॉर्निंग में, मतलब जब मॉर्निंग में नहा धो के रेडी हुई थी, और फिर दोपहर में क्या हुआ, बहुत गर्म सा लग रहा था, तो मैंने चेंज कर लिया, लोअर टी शर्ट पहन ली। और वैसे करती रहती हूँ मैं, जब भी अगर साड़ी वेयर करूँ ना, या कहीं जाके भी अगर आऊँगी पहनी हूँ, तो मैं बाद में इसको निकाल देती हूँ, रेस्ट करती हूँ, क्योंकि लोअर नाइटी भी कम्फर्टेबल लगता है, अब फिर वेयर कर लेती। वैसे लेकिन मैंने आप लोगों के लिए वेयर किया है, क्योंकि आप लोग काफ़ी कमेंट में कहते हो साड़ी में बहुत अच्छे लग रहे हो, साड़ी में बहुत अच्छे लग रहे हो, तो आप लोगों को साड़ी ज़्यादा पसंद आ रही है, तो इसलिए मैंने साड़ी ले लिया फिर से कि चलो फिर से मैं एक ब्लॉग दे देती हूँ। तो कैसी लग रही हूँ? और हाँ, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, ओके। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे, चंगे, बिल्कुल मस्त होंगे। और आप सोच रहे होंगे कि मैं तैयार हुई है? नहीं, इवनिंग का टाइम है, गुड इवनिंग, पहले गुड इवनिंग। और मॉर्निंग का ब्लॉग नहीं आ रहा, इसके लिए सॉरी, क्योंकि धूप और गर्मी के कारण। और मॉर्निंग में जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है, क्योंकि गुड़िया को जाना पड़ता है मॉर्निंग में। मैंने पंखा बंद की, क्योंकि ज़्यादा मतलब फैन की आवाज़ आएगी, इसलिए मुझे पसीना आ रहा है। तो मैं का इवनिंग का टाइम है, और दोपहर में खाना वाना खा के मतलब रेस्ट के लिए बेडरूम में मैं कैसा कंफर्टेबल कपड़ा से लोअर टी शर्ट नाइटी ऐसे पहन के रिलैक्स करती हूँ। इवनिंग का टाइम है और आप लोग साड़ी मुझे बहुत पसंद कर रहे हो, अच्छे कमेंट आ रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो साड़ी पहन लेती हूँ। आप लोग साड़ी मुझे बहुत पसंद करते हो, कमेंट आते हैं अच्छे अच्छे कि भी साड़ी में आप बहुत अच्छी लगती हो। तो मैं क्या करी, मेरा फर्स्ट फ्लोर पे बेडरूम है, मैं नीचे आई और नीचे मेरा मतलब वॉशरूम है, तो मैंने यहाँ पे अच्छे से बाथ लिया, मस्त मतलब फ्रेश हुई, और मैंने कहा चलो साड़ी वेयर कर लेती हूँ और आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो मैं मतलब यहीं पे थोड़ा बहुत सामान मैं रख देती हूँ, क्योंकि अब डेली बस बना नहीं है ना, आप लोग के लिए तैयार होना है, और वैसे भी थोड़ा सा तैयार हो जाओ तो अच्छा लगता है कि चलो तैयार हो गए, वरना ऐसे तो लेजी जैसे पड़े ही रहते हैं। और ये जो साड़ी है ना, इसको हो गया है 8 साल, अब बिलीव नहीं करोगे ना, 8 साल पुरानी साड़ी है, मैं पहनती नहीं हूँ ना। मैंने प्रॉब्लम क्या, पहले मैं साड़ियों के बहुत शौकीन थी, साड़ियाँ लेना मुझे बहुत पसंद था, फिर लाइफ में थोड़ा सा चेंजिंग आया, चेंज हुई, और अब आप लोग शायद मुझे चेंज कर डालोगे साड़ी में। खैर कोई नहीं, पसंद पसंद की बात होती है। और ये जो ब्लाउज, ये ब्लाउज भी बहुत पहले मतलब सिलाया था, तो मतलब थोड़ा सा मैं जिन्होंने सिला था, जो टेलर थी दीदी मेरी, वो ना यहाँ से छोटा कर दिया था, देखो आपको पीठ दिख रहा होगा ना, तो मुझे ना यहाँ तक के ब्लाउज पसंद है, मतलब यहाँ तक लेंथ में आया तो अच्छा है, वैसे मुझे वैसा पसंद है। और ऐसे ब्लैक वाली ब्लाउज मेरे कम से कम 4-5 है ऐसी, मतलब मैं इसको सिला लेती हूँ और हर साड़ी पे हो जाती है। तो ये 8 साल पुरानी साड़ियाँ मैं आप, और जो भी साड़ी पहनी मेरे ब्लॉग में, जो भी साड़ियाँ आई है ना, हर साड़ी अगर अगर जोड़ोगे भी ना, जो भी मेरा ब्लॉग देखे हो ना अपने साड़ियों का, अभी जो कंटिन्यू में आ रहा है, एक चुंदरी में आई थी, एक येलो ऐसे थोड़ी सी में कलरफुल मिक्स थी, और एक दो दिन पहले जो ब्लॉग आया था वो मतलब ब्लैक रेड ऐसे चीता टाइप का थोड़ा सा था ना मिक्स मैच, वो सब वो तो 150 रुपये की साड़ी है, बिलीव करोगे? और ये भी ज़्यादा नहीं, 250 रुपये की साड़ी है। डोर इसलिए बंद किया क्योंकि ये ना टीवी चल रही, तो उसकी वॉइस आएगी, डिस्टर्ब होगा इसीलिए। और ये रूम तो ऐसे ही मतलब है, ठीक है, बस कुछ यूज़ नहीं आता, यहाँ वॉशरूम है, तो मतलब नहा देती हूँ यहीं पे, तो बस तैयार भी यहीं होगी, मैंने कहा चलो तैयार जाती हूँ। और इवनिंग का तो दे दो कम से कम आपको ब्लॉग। और एक बात और, प्लम्बर भी आएंगे शायद, उनके वेट करते करते आज मॉर्निंग का भी मेरा कुछ काम, फिर देखती हूँ। तो आप चलो बने रहो, देखते हैं, चाय पीने का मन हो रहा है, पियोगे चाय? पीना पड़ेगा चाय, जो जो चाय पीता है चलो मेरे साथ। अब कॉफ़ी के लिए सॉरी, कॉफ़ी मंगाना पड़ेगा, कॉफ़ी ना ख़त्म हो गई असल में, क्योंकि मैं ठंडी में ज़्यादा पसंद करती हूँ, अब मुझे ना कॉफ़ी ना कोल्ड कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो चलो चाय बनाते हैं। ओके चलो। अच्छा, जो साड़ी बोल रही थी ना मैं आपको, तो ये देखो, ये जो साड़ी पहनी थी अभी जो ब्लॉग गया है मेरा, ये भी साड़ी, ये ही साड़ी जो 150 रुपये की है अभी, देखो कम से कम 5 से 6 साल हो रहा है ना छोटी, 5 से 6 साल हो रहा है इसको, मतलब मेरी साड़ियाँ ऐसी पुरानी पुरानी हैं। और ये आप कैसे इसमें अच्छा लग रहा होगा, लेकिन आजकल इसका फैशन खत्म हो गया है, देखिए ऐसे सितारा है ना, सितारे कोई पहनता नहीं है, लेकिन हाँ आप क्या करूँ, मेरे को आपको भूख लगी है, तो उसने ड्रेस भी चेंज नहीं किया और खा रही है खाना। और सही बात है ना, सुबह 7:30 बजे से जाती है और आती है शाम को भी 6 भी बजता है, कभी 6:30 भी बजता है। चलो इसको मैं फोल्ड कर देती हूँ फटाफट, ऐसे ना साड़ियाँ क्या है, पहन लो फिर धो और फिर ऐसी पड़ी रह जाती है, क्योंकि मैं फोल्ड करती नहीं हूँ। स्वीटी को संडे को छुट्टी मिलती है, तो मैं बोलती बेटा फोल्ड कर देना कपड़ा, तो साड़ी वो फोल्ड नहीं कर पाती, नहीं कितने होशियार, मैंने काम नहीं की, पता है तेरा नैना मुझे कितना चिल्ला रही थी, तो दीदी बोले संडे को थी तो क्या करी, पूरा दिन बहुत झगड़ा कर रही थी, मेरा काम करी क्या,
हाँ तो पूरा काम नहीं हुआ ना उस दिन, झाड़ू पोछा नहीं हुआ, तुम लोगों ने काम ले लिया, वो ही चिल्ला रही थी मम्मी मेरे को तो बोल दी, मैंने कर ली और ना दीदी ने नहीं किया ऐसे करके। तो ये साड़ी फोल्ड इसलिए मैं करके रख दे रही हूँ कि ऐसे रह जाता है, साड़ी फोल्ड होता नहीं है। टी शर्ट लोवर जो है फोल्ड करती भी साड़ी हो गई फोल्ड, और यही साड़ी के जो आपको बता रही थी, तो मैंने मतलब सस्ता ही मतलब मिलता था जहाँ से पहचान की दुकान वकान रहती थी ले लेती थी, और मैं ऐसे आस पड़ोस के जो दीदी या किसी के साथ जाती थी ना वो भी खरीदते थे, मैं भी खरीद लेती थी। तो मेरा ऐसा साड़ी का कलेक्शन था, लेकिन मेरी चॉइस थोड़ी हटके है हाँ जो भी, लेकिन अब सब फैशन चले गए हैं इन सब चीज़ों का। आजी बाई जो होती है ना, क्या कहते हैं, बुजुर्ग है ना, वो लोग भी नहीं पहनते ऐसी साड़ियाँ, मैं पहन रही हूँ वो भी, लेकिन किस लिए आप लोग को पसंद है तो जो रखी है मैं कहा चलो वही पहन लेती हूँ। वैसे मेरे पास नेट की भी साड़ियाँ हैं, वो कैसा पार्टी वेयर के हिसाब से अच्छा लगता है, लेकिन अभी इधर के हिसाब से तो ये ठीक है। तो मुझे ना ऐसे कलर बड़े पसंद आते हैं बहुत। तो सीटी साड़ी फोल्ड नहीं कर पाती है ना सीटी, दो साड़ी फोल्ड करके वो आड़े टेढ़े साड़ी अच्छी रखी, नहीं 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 फोल्ड की मेरा चेक करो गलत झूठ बोल रही, कबर्ड में एसिड पड़ा हुआ, मैं जाके देख के आई अभी, इधर मैंने अब मैंने ऐसे फोल्ड के बराबर है ना ये देखो, शर्ट लगाओ पहले। हाँ चलो हाँ एक चॉकलेट दूंगी, शर्ट लगा ली मैंने, अगर मैं हार गई तो ये चॉकलेट मुझे खिलाएगी, कौन सा फाइव स्टार है, फाइव स्टार खिलाते सस्ते ही है, 10-5 रुपए में मिल जाता है। चिल्ला छोटे ने इसको छोड़ रही हूँ, मैं छोटे ही निपटा रही हूँ, और ये क्या है, ये बड़े भी लुटती है अपनी माँ को अच्छे से। एक ड्रेस देखो देखो जूता इसके फट गए, जूते मंगाने बच्चे बहुत दिन से बोल रही है, वो पता क्या इतना अच्छा शूज ली थी, इतना महंगा शूज ली थी इसने, पर उसका एक्सीडेंट हुआ, उस एक्सीडेंट में उसका शूज फट गया, मंगाना पड़ेगा अभी। तो मैं नंदरी ला लिया, मतलब जान दो जो भी ला लिया। क्लचर टूट गया, वो क्लचर टूट गया मेरा, अब ये देखो ये दूसरा क्लचर लगाई हूँ, लग जाए भगवान करे, कौन जाएगा ऊपर ड्रेसिंग टेबल में से लेके आने के लिए, मेरी क्लचर ना देखो कैसा लग रहा है, सुंदर, मुझे तो पता नहीं है, मैं यहाँ शीशा तो है नहीं, आप ही लोग बता सकते हैं कैसा लग रहा है, मुझे फूलों का बड़ा शौक है, और ये टूट गया, ये टूट गया तो स्वीटी के पास छोटा सा था, तो उसने दी, बोली मम्मी लो लगा लो, कहाँ जाना ऊपर, मैंने कहा चलो लगा देती हूँ, अब बाल खोल के सिलेंडर रख सकती, बहुत गर्मी, देखो पसीना आ रहा है, देखो बहुत पसीना आ रहा है, दिखेगा भी नहीं इसमें ना, वाइट वाइट है, देखो चलो चाय बनाते हैं, चाय पी रहे, ये और एक रोटी, दोनों को चाय पीना है ना, तो ना तो बोलना ही नहीं इन्होंने, चलो भाई चाय लवर, हम तो चाय लवर हैं, ये मांग ही लेती कभी कभी, चलो क्या बना रही है अभी, केरी भी बना रही है, बता रही हूँ मैं, बना रही हूँ, देख लोटा मेरे दूध निकल रहा है, देखो खाना बन कैसे बेटा, मैं कैसे बन कर रहे हैं, इसकी कॉफी का चाय है हाँ जी, इनको कभी पता ही नहीं चलता है कि चालू है क्या, फैन पे चालू उसकी आवाज़ आएगी देखना, उनको पता ही नहीं चलता है कि कैमरा ऑन है, चुपके से बनाते ना वो छोटा बच्चा बन गया, बहुत थक गया ये तो मेरा पूरा बहुत थक गया मैं, 36 किलोमीटर रोज अप डाउन कर, पूरा व्लॉग बिगाड़ने के लिए आती है मेरी, ये है क्या 3 अनमोल रतन और नमूने भी हैं, एक नमूने ऊपर क्या संतुष्टि नहीं तो चाय से, फैन बंद कर दे रहा हूँ आपका, तो पूरा फैन के बाद में गड़बड़ गड़बड़ जाती है, वो ना बहुत बेशरम हो गया, वो जगह ही नहीं छोड़ रहे, वो बार बार चुड़िया की इसको कल बहुत मारी थी डंडे से, वो खिड़की पे धम 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 करता रहता है, एक घर में दो जानवर नहीं रह सकते, इसलिए लोगों के घर में कुत्ते बिल्ली सब है, हमारे घर में अगर बिल्ली या कुछ आ गई तो ये पहले खा जाएगा उसको, इतना बेकार ही है, और आपको धम धूम की आवाज बहुत आएगी क्योंकि बर्तन भी धुल रहे हैं, फिल्टर से पानी भरा जा रहा है, चाय बन रहा है, तो बहुत आवाज आने वाली है।
स्वीटी हंस रही है, स्वीटी को बोला पानी भर के जा, क्योंकि हमारे फिर ट्रिंकल बोलती उससे तो कुछ काम ही नहीं कराते, करती ही नहीं है तो बोलूंगी ना। देखो बर्तन गिरा दी है, मोटी करती ही नहीं है तो बोलूंगी ना। तो अभी भी बर्तन नहीं धो रही हूं। देखो बर्तन धो रही है वो, मैं घर पे रहती थी मम्मी आपका बर्तन फ्री में छोड़ नहीं कर रहा आधे काम कर। देखो बर्तन धो रही टिंकू, टिंकू हाय हाय कर रही है। मेरे बच्चे हेल्प कर देते हैं, अभी छुट्टी पे है ना, फिर वो कोई नहीं हेल्प करने वाला। छुट्टी के बाद ही छुट्टी के बाद तो पानी भी मुझे कोई नहीं दे पाएगा, ऐसा टाइम रहता है। ये सुबह से शाम हो जाएगा, इसको खिलाएगी अपना खाएगी पिएगी थोड़ा रेस्ट भी पड़ाएगी, कोई नहीं एक गिलास पानी भी नहीं देगा फिर मुझे। अभी एक गिलास देते हैं, मैं दो गिलास तक देती हूँ। कितनी बदमाश है। बस जुलाई से स्कूल खुला मेरी मौत, क्योंकि मुझे कोई नहीं हेल्प करेगा। संडे को सिर्फ थोड़ा सा राहत होती है, बाकी दिन नीचे हो, जल्दी नीचे।